हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दिवाली आने वाली है और अभी हम सिर्फ दिवाली के DIYs बनाएंगे और कोई DIYs नहीं बनाने वाले हम, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 5 अमेजिंग DIYs। बहुत ही मजा आने वाले हैं आपको। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, माय नेम इज कंचन, डू सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा लिपिन का वॉल आर्ट। इसके पीछे मैंने ऑलरेडी हुक लगा दिया है बिकॉज बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होता है लगाने में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है सो दैट आई कैन सी कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊंगी। देन आई हैव टेकन दिस शेप इट की क्ले, इट्स वेरी गुड। इसके अंदर 2 क्ले आती है, उसको आपको मिक्स करना है और फिर अच्छे से उसको आपको इस तरह से बना लेना है। यू हैव टू लीव दिस क्ले फॉर लाइक अराउंड 5 to 10 minutes ताकि ये थोड़ी हार्ड हो जाए और उसके बाद हम इसे धीरे धीरे डिज़ाइन पर स्टिक कर लेंगे। डिज़ाइन आप पहले से डिसाइड कर लीजिए आपको क्या बनाना है, उसी हिसाब से आप इसे स्टिक करते जाइए। स्टिकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल एज यू कैन सी। सिर्फ आपको ग्लू लगाना है और फिर आप इस तरह से क्ले लगा लीजिए। सो क्ले लगाते लगाते ही आपको इस पे डिज़ाइन बनाना है बिकॉज एक बार क्ले अगर सूख गई ना तो फिर आप डिज़ाइन नहीं बना पाओगे। तो डिज़ाइन के लिए आप कोई भी टूल ले सकते हो, आप पेन, पेंसिल, डॉटिंग टूल, स्केल, वॉट एवर इज अवेलेबल। सो इस तरह से मैंने अलग अलग टूल से ये डिज़ाइन बना दिया है। नाउ यू हैव टू लीव इट टू कम्प्लीटली ड्राई। एक बार ये सूख गया फिर हमने इसके ऊपर लगा लिया है चॉक पेंट। आप जैसो ले सकते हो, आप कोई भी कलर ले सकते हो, आप डायरेक्टली इनफैक्ट जो कलर्स है वो भी लगा सकते हो। तो एक बार हमारा पीस रेडी हो जाता है उसके बाद मैं लूंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चॉक पेंट्स और लेंगे हम फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश से ना बड़े सरफेस को पेंट करने में बहुत ईजी होता है और आराम से वो हो जाता है। अगर आप राउंड ब्रश लोगे ना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें कलर वगैरह फिल करने में। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पर फिल कर लिए हैं। सो इन कलर्स को हमने पहले सील कर देना है। एक सब्सक्राइबर का मुझे क्वेश्चन भी आया था कि मैम जब हम लिपिन आर्ट करते हैं किस टाइम पे हम वार्निश लगा। So this is the right time to apply varnish before applying the mirrors. Okay, so एक बार हमारा वार्निश हो जाता है ड्राई, then we are going to stick all the mirrors. यहाँ पर आप different different patterns के जो भी आपको design पसंद है उस तरह से आप इन्हें stick कर सकते हैं. So यहाँ बीच में मैं ये वाला design बनाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है ये design. और साइड में हम जितने भी हमारे पास mirror है उसके according हम इसे set कर लेंगे. तो इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दीज मिरर आर फ्रॉम इट्से बिट्सी, बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी के इनके मिरर्स हैं। जो भी पैकेट में आते हैं ना कभी भी वो ब्रेक नहीं हो रखे होते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग पैटर्न के यहाँ पर डिज़ाइन स्टिक कर देंगे और इसी तरह से धीरे धीरे आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के मिरर स्टिक करते जाइए। मिरर स्टिक करना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी थेरेप्यूटिक, बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। और सबसे साइड में आई वॉज नॉट लाइकिंग दी कलर तो मैंने इसका कलर चेंज किया और इसके ऊपर मैंने बनाया मेरा मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन, लोटस का डिज़ाइन। बहुत ईजी है इसे बनाना। 2 मिरर्स के ऊपर एक मिरर को आपको इस तरह से लगा देना है। तो एक बार हमारा लिपिन आर्ट कम्प्लीटली सूख जाता है, नाउ मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और 3D को लाइनर से इन्हांस करूँ। वैसे ज़रूरत नहीं थी, इट वॉज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी वेरी नाइस। फिर मैंने इसमें 3D को लाइनर से थोड़े थोड़े डॉट्स वगैरह इधर उधर लगाए। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड डू लेट मी नो आपको ये वाला DIY कैसा लगा। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये लिया है प्लाईवुड, एक छोटा सा पीस पड़ा था तो इससे हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग और इसमें हम हुक्स लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगा लिया है चॉक पेंट और चॉक पेंट लगाने के बाद पहले हम इसके पीछे हुक्स लगा लेंगे। हुक्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम इसे ईजिली हैंग कर पाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4-5 होल किए हैं बिकॉज उसी में हम अपने हुक्स लगाएंगे। फिर हमने इसके ऊपर किया है ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर, दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, चॉक पेंट है और इसको मैंने थोड़ा सा रस्टिक लुक देने के लिए एक कोट ऊपर से वाइट कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू स्टेंसलिंग। दिस पर्टिकुलर स्टेंसिल इज सो प्रिटी। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे टेक्सचर पेस्ट। अभी मेरे पास टेक्सचर पेस्ट था नहीं तो मैंने इसके ऊपर लगा लिया है स्कल्पचर पेस्ट। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको POP लेना है और इसमें आप पानी मिला दीजिए। थोड़ा सा थिक रखनी है कंसिस्टेंसी और ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो इसी तरह से हम पूरा स्टेंसलिंग वर्क कर लेंगे और फिर इसको हम थोड़ी देर सूखने देंगे। एक बार ये अच्छे से सूख गया फिर हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं वार्निश। एंड ये सारी चीज़ें हैं इट्से बिट्सी से, यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो एक बार हमारा वार्निश से ये सारा का सारा सील हो जाता है, देन पीछे की तरफ मैंने यहाँ पर ये स्क्रू लगाए हैं और आगे मैंने ये वुडन बीड्स लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से आगे फिक्स कर दिया है। और इसी तरह से हम
सारे के सारे हुक्स फिक्स कर देंगे। 5 हम हुक्स लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद मेटालिक वैक्स की हेल्प से मैं इसको और ज़्यादा इन्हांस करूँगी। इफ़ यू डोंट हैव दिस यू कैन सिंपली यूज़ गोल्ड कलर, बट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर नीचे इन्हांस करूँगी, और ये जो हुक है उसको भी मैं थोड़ा सा गोल्ड कलर से इन्हांस करूँगी। और इसी तरह से आप घर पर ही सुंदर सुंदर यू नो वॉल हैंगिंग और हुक्स वगैरह बना सकते हैं फॉर कमिंग दिवाली। लेट मी नो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे 2 बहुत ही सुंदर से जार, और इन जार को हम यूज़ कर सकते हैं गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए। इसके अंदर आप काजू बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 जैम की बॉटल्स लिए हैं, कांच के ही हैं, और ऊपर नीचे मैंने इसमें लगा लिया है लेस। अगर आपके पास लेसेस नहीं है ना, आप बड़ा सा लेस भी ले सकते हो, जो कि बस आप इसके ऊपर सिंपली स्टिक करो। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बनाया है लेस की हेल्प से और थोड़े मिरर वगैरह की हेल्प से, और बहुत ही सुंदर लगता है जब आप कोई भी ग्लास वर्क में मिरर वर्क ऐड कर देते हो। मिरर आप ले सकते हो इट्सी से, बहुत ही अच्छे एंड हाई क्वालिटी के इनके मिरर्स हैं, और स्टिक करने के लिए आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। ऊपर की तरफ मैंने इसमें लगा लिया है ये ब्यूटीफुल से सितारा स्टिकर्स, थोड़ा सा इसे और एनहांस करेंगे, और इस तरह से आप सुंदर सुंदर जार बना सकते हैं दिवाली के लिए। आप इसे अपने घर के सेंटर टेबल पर भी रख सकते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें वगैरह डाल के यू नो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एनहांस द लिड। लिड में मैंने ये गोल्डन ऑलरेडी थे, थोड़ा सा और ऊपर से गोल्डन लगा लिया, और ये बहुत ही सुंदर से मेरे को हुक्स या नॉब बोल सकते हैं इसे ये मिले थे। दिस वॉज फॉर अराउंड 60-70 रुपीज़ ये मैंने लिए थे मिस्टर DIY से। काफ़ी चीप इस टाइप की चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम हुक को ऊपर लगा लेंगे अपने लिट पे, एंड दिस इज़ हाउ दिस ब्यूटीफुल जार इज़ लुकिंग। इजंट इट सो स्टनिंग। लेट मी नो आपको ये वाला आइडिया भी कैसा लगा। नेक्स्ट DIY में हम करने वाले हैं, ये पुराना सा कार्डबोर्ड मेरे पास पड़ा था, बट काफ़ी सुंदर है ये वाइट कलर का, और इसमें मैग्नेट भी लगा हुआ है। तो मेरे मम्मी ने बोला कि इसको आप ले जाओ और इसमें कुछ बना देना, तो आई वाज लाइक ओके वी विल मेक समथिंग ब्यूटीफुल फॉर दिवाली। तो सबसे पहले बेस में मैंने जेसो लगा लिया, फिर मैंने यहाँ मेटालिक कलर ब्लू और ग्रीन को लगा के बेस हमारा रेडी कर लिया है। फिर मैं इसमें करने वाली हूँ पिछवाई आर्ट, और सुंदर से हम बनाएंगे कमल के फूल। तो मैंने क्या किया है, ड्रॉ कर लिया सारा डिज़ाइन, उसके बाद मैंने इसे वाइट बेस दिया है। अगर हम वाइट बेस नहीं देंगे, स्ट्रेट अवे कलर करेंगे ना, तो वो कलर्स आपको 2-3 बार एक तो करने पड़ेंगे, और इतने ब्यूटीफुली इन्हांस नहीं होके आते। और जब भी हम मेटालिक के ऊपर कुछ भी काम करते हैं ना, वो इतना शाइनी होता है ना, ये कैमरा भी उसको इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। रियलिटी में इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। तो उसके बाद हम कर लेंगे अपने कमल के फूल को इन्हांस। कलर्स में मैंने मिक्स एंड मैच लिए हैं, कुछ मॉन्टमार्टर के एक्रेलिक कलर्स लिए हैं, कुछ मेटालिक कलर्स लिए हैं, इट्सी बिट्सी के कलर्स। कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आपको जो भी पसंद है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप बना सकते हैं। डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एज यू कैन सी हमें बस ऊपर से फ्लावर और नीचे से लीव ही बनाए हैं। मिक्स एंड मैच करके आप इस तरह से डिज़ाइन बनाइए, और फिर इसे एक बार सूखने दीजिए। वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, फिर मैंने इसे इन्हांस किया है 3D कोन लाइनर से। 3D कोन लाइनर फेविक्रिल का बहुत ही अच्छा है, कोई भी आप आर्ट वर्क करते हैं ना, उसको बस आप 3D कोन लाइनर से थोड़ा इन्हांस कर दो, एंड देन यू सी द लुक, बहुत ही सुंदर ये लुक देता है। तो इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स वगैरह को इन्हांस कर लिया है, और इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, फिर मैंने यहाँ पर लीव और ये सारी चीज़ें भी ब्लैक कलर से हाईलाइट कर ली है। यहाँ मैंने मार्कर ही यूज़ किया, बिकॉज इसके ऊपर अब मैं कोई वार्निश नहीं लगाने वाली हूँ। और फिर यहाँ छोटे छोटे ब्यूटीफुल से डॉट्स बना के मैंने इसे फाइनल फिनिश कर लिया है। थोड़ा सा मिरर वर्क करने से यू सी द डिफरेंस, कितना चेंज हो जाता है। तो अंदर की तरफ ये थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो आई हैव पेंटेड इट पिंक फ्रॉम इनसाइड, और बाहर की तरफ ये ग्रीन और ब्लू है, एंड इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। इसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स को कोई भी गिफ्ट्स वगैरह पैक करके दे सकते हो। लेट मी नो आपको ये वाला गिफ्टिंग आइडिया कैसा लगा।
नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ये चीज़ के बॉक्स ही मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू यूज़ इट फॉर दिवाली. तो मैंने बहुत सारे ये टिन के बॉक्सेस इकट्ठे कर रखे हैं. अगर आपके पास भी ये है तो ये वाला DIY बहुत ही सुंदर आपके घर पे लगने वाला है. ठीक है, तो हमने इसके ऊपर लगा लिया है चॉक पेंट. चॉक पेंट को आप अच्छे से सूखने दीजिए. अंदर बाहर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स किए हैं. पैटर्न मैंने ये सोचा कि आप इसको अलग अलग तरह से इमेजिन कर सकते हो, या तो आप इसे कम्प्लीटली एक वॉल पर सबको इकट्ठा लगा सकते हो, या तो आप इनको वॉल पे अलग अलग स्कैटर करके लगा सकते हो. मतलब बहुत तरह से आप इसे यूज कर सकते हो. मैं आपको एक डिजाइन दे दूंगी, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हो. तो अंदर की तरफ मैंने यहाँ पर मिरर लगा लिए हैं कुछ इस तरह से. बहुत बड़े बड़े मिरर मैंने लगाए हैं ताकि जब हम इसके अंदर लाइट रखें ना तो वो क्या ब्यूटिफुली शाइन करेगा. और इस तरह से अंदर का डिजाइन पूरा हो जाने के बाद ये सारे हो गए. कलर कॉम्बिनेशन आप देखो, मैंने 3-4 में येलो किया है अंदर और बाकी सारों में ऑरेंज किया है और पिंक किया है. तो बहुत ही ब्राइट मैंने कलर्स यहाँ यूज़ किए हैं. जितना ब्राइट कलर यूज़ करते हैं ना दिवाली के लिए, बहुत ही सुंदर दिखता है. और इसके बाद मैंने बाहर की तरफ एक सिंपल सी लेस लगा दी है जो मेरे पास पड़ी थी. आप लेस लगा सकते हैं, आप यहाँ पर भी ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, मिरर लगा सकते हो. बट आई थॉट आई विल सिंपली कीप इट सिंपल. और यहाँ पर मैंने लेस लगा के इसको इस तरह से क्लिप लगा दी है ताकि हमारी लेस निकले ना. एक बार वो सूख जाएगा फिर हम क्लिप को निकाल लेंगे. बाहर बस एक एक और मैंने मिरर लगा के इसको फिनिश कर लिया एंड दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. ये आप इसे एक साथ इस तरह से भी लगा सकते हैं ट्रायंगल तरह से, और या तो आप इसे अलग अलग वॉल पे भी लगा सकते हैं. डू लेट मी नो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. आई होप आपको दिवाली डेकोरेशन वीडियोस में मजा आ रहा है. और बहुत जल्दी मैं एक और बहुत अमेजिंग वीडियोस लेके आने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो भी. फॉर स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो. सो या दैट इज इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल आइडियाज मिले होंगे आपकी दिवाली होम डेकोरेशन के लिए. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं डू सब्सक्राइब एंड मेरी बाकी वीडियोस भी देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे. इससे मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. Thank you.